According to IS code, what is the maximum and minimum spacing of shear reinforcement? I am Hari. Please attention here. I request my all subscribers and new page visitors. Better understanding के लिए आपसे request है कि video को पूरा देखें. In the design calculation, if you got the total cross sectional area of the stirrups effective for the shear stress, you can easily find the minimum shear reinforcement using this formula. Given in the 26.5.1.6. Put the value in the given formula and find the minimum spacing of the stirrups. आप अपने वीडियो को जारी रखें, मैं आपको एग्जाम्पल द्वारा बताऊंगा कि कैसे मिनिमम स्पेसिंग ऑफ द शेयर एनफोर्समेंट एंड मैक्सिमम शेयर एनफोर्समेंट के स्पेसिंग हम वैल्यू पुट करके निकालते हैं. फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप्स द डिस्टेंस शैल बी 0.75 डी, वेयर डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्टीरअप्स. और 300 से कभी भी हम ज्यादा स्पेसिंग नहीं देंगे. प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग एट माई यूट्यूब. मैंने इस वीडियो में IS कोड के अकॉर्डिंग शेयर एनफोर्समेंट की मिनिमम मैक्सिमम थ्योरेटिकल आइडियाज मैंने देने की कोशिश की है आप लोगों को. मैं आज रात या सुबह एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ. उम्मीद है आप इसे जरूर वॉच करेंगे और लाइक करेंगे. हेलो फ्रेंड, आई एम हरी. वेलकम टू CS टैग गुरुजी यूट्यूब चैनल. चैनल द्वारा प्रकाशित सभी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पर जरूर प्रेस करें और शेयर करें.